मिलते हैं स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर वाले। हम इस पर जाते हैं, ये स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर, ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। जो भी कलर सिलेक्ट करना आप अगर सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू शो कराया जाएगा और ओके पर क्लिक कर देना, देन वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। अब जैसे इसमें एक नया ऑप्शन आपको मिला है पिक्चर वाला, पिक्चर में आप इसके अंदर कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, जैसे आप पिक्चर पर जाना, ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। हम यहाँ से ऑफलाइन लेते हैं, हम इसमें फ्लावर वाली पिक्चर अंदर रखना चाहते हैं, आप इंसर्ट कर देना तो वो पिक्चर इसमें फिल हो जाएगी, है ना, आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट होता है एक, दो या दो से ज्यादा मिक्स होने वाले कलर्स को बोलते हैं हम ग्रेडियंट। अब ये कलर ब्लू कलर था, ब्लू कलर के साथ व्हाइट मिक्स करके ये वेरिएशन बनाई है, और ब्लू कलर के साथ ब्लैक कलर मिक्स करके ये वेरिएशन बनाई है। पर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई वेरिएशन लेनी है, आप मोर ग्रेडियंट्स पर जाना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल लिखा है, इस पर क्लिक करना, क्योंकि आप यही पढ़ रहे हैं। अब आप ये पेंसिल है, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें फिक्स कर लेना कितनी दूरी पे आपको कलर चाहिए। आपको ये पेंसिल कम करनी है तो ये क्रॉस का साइन है, रिमूव ग्रेडियंट स्टॉक, यहाँ से आप इन्हें हटा सकते हैं। कम करना चाहे मतलब कम रखनी है, ज्यादा कलर नहीं चाहिए। और अगर बढ़ाने हैं तो ये ग्रीन वाला है एड ग्रेडियंट स्टॉक, इस पर क्लिक कर देना तो आपकी पेंसिल बढ़ती जाएंगी। फिर आप क्या करना, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दे रहा है, कलर के ऑप्शन पर जाकर जो कलर आपको इसमें फिल करना हो कर लेना, दूसरे वाले में भी सेम यही करना, देन तीसरे वाले में भी और इस चौथी वाले में कर लेते हैं। ऐसे करके आप उसमें जितने कलर चाहे उतने फिल कर सकते हैं। अब इससे क्या कर सकते हैं, आप कलर की दूरी सेट कर सकते हैं, जितना आसपास कलर होगा उतनी दूरी तक मतलब आपको ये सही दिखाई देगा। इसके बाद एमएस पेंट था वो, वो कलर जो आपने बनाया था वो इधर आ गया ग्रेडियंट कलर में। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टेक्सचर का, ये पहले से कुछ टेक्सचर दिए गए हैं आपको, आप इसमें से कोई से लेना चाहते हैं सिलेक्ट कर देना, वो उसमें आपकी शेप में फिल हो जाएगा। इसके बाद है आउटलाइन में, आपकी जैसे अंदर तो हमने कर लिया कलर, लेकिन जो स्माइल है, आईज है इसकी, आउटलाइन जो है इसका कलर चेंज करना है, तो आप शेप आउटलाइन पर जाना और यहाँ से आप जो भी कलर आप इसका रखना चाहते हैं वो कलर कर लेना। जैसे आप इसमें ब्लैक आ गया तो आप यहाँ से इसकी आउटलाइन में कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन नहीं रखनी है तो नो आउटलाइन पर कर देना, मोर और आउटलाइन कलर चाहिए तो वही स्टैंडर्ड और कस्टम कलर वाले ऑप्शन मिलते हैं। अगर ये आपको आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, विड्थ पर जाएंगे और इसे और डार्क करते जाएंगे, मतलब आप जितनी हाईएस्ट विड्थ लेंगे उतना आपको डार्क और लाइट शो होगा, ज्यादा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद इसमें ऑप्शन है डैश वाली लाइन का, अगर आपको डैश वाली चाहिए और किसी पिक्चर में मतलब शेप में नहीं होगा, केवल इसमें क्या स्माइल है तो उसका एरो वाइज में इसका यूज कर सकते हैं, और अगर इससे कोई रिलेटेड शेप होगा तो उसमें आ जाएगा, आ जाएंगे सारे। इसके बाद इसमें शेप इफेक्ट, ये भी सारे वही थे जो हमने इसमें पढ़ रखे थे, पिक्चर में पूरे वही है कि आपको शेडो देनी है, रिफ्लेक्शन देना है, ग्लो देना है, या फिर एजेस कम करने हैं या रोटेट वगैरह करना है, तो सारे वही वाले ऑप्शन है। अब अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई आपने इसमें कुछ लिखा है तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ये हमने कुछ लिखा, अब आपको इसकी शेप स्टाइल चेंज करनी है तो आप क्या करना, इसे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आपको एक स्टाइल पर जाना, यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल दी गई है पहले से तो आप जो भी इसमें अप्लाई करेंगे वो इसमें आ जाएगी, ये शो हो रही। अगर आपको ये भी नहीं रखनी है, कोई दूसरी रखनी है तो आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसमें दूसरी अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई होती शो हो रही है, जो भी आप करेंगे वो इसमें अप्लाई हो जाएगी। अब जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ करना है, ये पहले से जो आपके बनी हुई दी थी ये आपको नहीं लेनी है तो आप क्या करेंगे, ये आपको टेक्स्ट फिल शो हो रहा है आप इसमें जाना, आपको जो भी कलर शो कराना हो अंदर की साइड तो वो इसमें आ गया, जैसे हमने ग्रीन चूज किया था तो अंदर साइड क्या आ गया, ग्रीन आ गया, लेकिन ये बाहर जो येलो कलर है आपको ये भी हटाना है, चेंज करना है कलर, तो आप यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट आउटलाइन पे आएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए, जैसे ब्लैक ले लेते हैं तो बाहर वो वाला कलर आ जाएगा। अब इसमें अगर आप टेक्स्ट के इसी के अंदर पिक्चर देना चाहते हैं तो ये पूरे वाले वही ऑप्शन है कि आप पिक्चर दे सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट दे सकते हैं और
टेक्सचर दे सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो अंदर की साइड इसमें फिल हो जाएगा। और सेम ऑप्शन आपको आउटलाइन में मिलते हैं, जैसे उधर इस आउटलाइन में मिले थे कि अगर आपको नहीं देनी है तो नो, और आउटलाइन चाहिए तो स्टैंडर्ड कलर कस्टम कलर में आ जाएंगे, विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से विड्थ बढ़ जाएगी, और डैशेस में लाइन चाहिए तो डैशेस में आ जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट में ये सारे इफेक्ट देने हैं जो आप इसमें दे देते, आप इसे सिलेक्ट करना, यहाँ पे जाना, ये आपका ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स वाला। यहाँ पर आप इसमें शेडो दे सकते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, इसमें ग्लो दे सकते हैं, पूरे वही ऑप्शन है जो आपको इधर इफेक्ट में मिले थे, सेम टू सेम वही। चेंज कितना सा है, ये ट्रांसफॉर्म वाला, ये 3D रोटेशन तो पहले ही थे, ट्रांसफॉर्म में क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। आप अपने स्कूल का मोनो देखते हैं, जब हम मोनो लगाते हैं तो हमारे स्कूल का नेम उसमें ऐसे में राउंड में लिखा हुआ होता है जो भी था, तो हम इसके द्वारा उसे राउंड में कर सकते हैं, फिर आप इसे कहीं पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर ये और बड़ा टेक्स्ट था तो ये बढ़िया राउंड में आ गया। अब इस तरीके से हम स्कूल का मोनो बना लेते थे, बीच में हमारा वो लोगो लगा देते। इस तरीके से इससे क्या कर सकते हैं, आप शेप को किसी भी वे में मतलब एक ट्रांसफॉर्म करके स्टाइल दे सकते हैं, मोड़ घुमा कर सकते हैं, तो जो भी आप यहाँ से अप्लाई करेंगे वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये वाले सारे वही ऑप्शन है, कर लेंगे। अब आप मुझसे करना बढ़िया, हटा दे इसको। अब इंसर्ट टैब में शेप वाला हो गया, अब है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आप कोई भी जैसे कुछ अच्छे वे में कुछ शो कराना चाहते हैं, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आप उसमें कोई क्वेश्चन वाइज सीरीज ले रहे हैं, या आप कोई बुक ही जनरेट कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम उसमें हायरेसी लेते हैं। हायरेसी मतलब क्या होता है कि एक बढ़ते क्रम वाला या फिर घटते क्रम जैसे लेते हैं। तो जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपके स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले प्रिंसिपल आते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर टीचर्स वगैरह आते हैं, टीचर्स के बाद मॉनिटर आते हैं क्लास के, फिर एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, मतलब वीक जितने भी आते हैं, एस वाइज से सीरीज होती है। तो एस में आप पूरा स्मार्ट आर्ट से कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, लुक बढ़ता है मतलब एक टाइप से देखने। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पर, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जो भी आपको फॉर्मेट इनमें से लेना हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे और भी तरीके से दिए गए हैं, ये प्रोसेस वगैरह में लेनी है, साइकिल में लेनी है। ये वाला तो कहीं ना कहीं हम सब ने ज्योग्राफी की बुक में देखा होगा, लैंड और वाटर का पार्ट बताते थे, या फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस की परसेंटेज बता देते थे। तो ये हर जगह आप इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से ये कई सारे, जैसे हायरेसी वाला आ गया कि हम यहाँ से ये वाला ही सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जैसे आपने यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना जो भी आपको चाहिए, और आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। अभी आपका आ गया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देंगे, इसके बाद अगर जैसे आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट इस पे क्लिक नहीं करना तो आपको जैसे ही आप इसको लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, डिजाइन वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट पेन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप टाइप करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइस प्रिंसिपल, अगर आप वाइस प्रिंसिपल के नीचे कोई देना चाहते हैं तो आप इसी पे एंटर कर देना, इसी के अंदर एक और आ जाता है। वाइस प्रिंसिपल पे तो खैर होता नहीं है कुछ। इसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं टीचर्स, स्टूडेंट, फिर आप जो भी देना चाहते हैं आप एंटर करते जाना, जिस अकॉर्डिंग आप करेंगे उतनी हायरेसी आएगी। स्मार्ट आर्ट के जो ऑप्शन है ये वाले, ये आप ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे तो आप डायरेक्ट इन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से भी आप यही कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोनों पे आपको सेम ही मिलेगा। अब दूसरा क्या है, फर्स्ट है आपका यहाँ पे एड शेप, अगर आप यहाँ पे और शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड शेप पर क्लिक कर दें, ये एक और आ गई, और करना चाहते हैं और कर दें और आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इन्हें हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके, ये डिमोट है, इससे ये हट जाएगी और प्रमोट से आ जाएगी, प्रमोट से आपके पास ऐड होती जाएंगी और डिमोट से हटती जाएंगी, और ऐड शेप से भी शेप आती जाएंगी। इसके बाद है आपका, जैसे आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, ये वाला आपका एड बुलेट वाला ऑप्शन है, तो ये आपका कब हाईलाइट होगा, जब आप यहाँ से लेआउट चेंज करेंगे। पहले आप देखना एड शेप आ गया आपको, कि आपको शेप ऐड करनी है, टेक्स्ट पेन आ गया अगर आपको लिखना है, प्रमोट में आपको बढ़ाना है तो आप प्रमोट करेंगे, डिमोट से आप
घटा देंगे। अगर ये लेफ्ट और राइट वाला चेंज करना चाहते हैं दूसरे से, तो ये आप लेफ्ट राइट क्लिक